दोस्तों, जिस तरह से बैंक की अलग अलग स्कीमों में पैसे लगा करके आप ब्याज पाते हैं, उसी तरह से अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस में भी अलग अलग स्कीम में पैसे लगा करके आप ब्याज पा सकते हैं। उन स्कीमों में शामिल है बचत खाता, FD, RD, पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी PPF, किसान विकास पत्र यानी KVP, सुकन्या समृद्धि योजना यानी SSY, सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम यानी SCSS, इसके अलावा POMIS यानी पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम। इन स्कीमों पर ब्याज दर की घोषणा हर 3 महीने पर सरकार करती है, जबकि बैंक वाले खुद ही ब्याज दर पर फैसला लेते हैं। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में पोस्ट ऑफिस की इन स्कीमों में कितना ब्याज मिलेगा, इसकी घोषणा सरकार ने कर दी है। तो अगर आप पोस्ट ऑफिस की स्कीमों में पैसे लगाते हैं या लगाने जा रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखें, और अगर अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। साथ ही साथ अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, अपने जान पहचान वालों को भी इस YouTube चैनल को शेयर करने के लिए कहें, सब्सक्राइब करने के लिए कहें और पैसों से जुड़े सवाल पूछने के लिए कहें, क्योंकि पैसों से जुड़े हर सवाल के जवाब यहां दिए जाते हैं आपकी भाषा में आसानी से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सरकार ने अक्टूबर और दिसंबर तिमाही 2022 के लिए नई ब्याज दर की घोषणा कर दी है। कुछ स्कीम्स की ब्याज दर को जुलाई सितंबर तिमाही जितना ही रहने दिया गया है, जबकि कुछ स्कीम्स की ब्याज दर में 0.30% तक का इजाफा किया गया है। आप इन स्कीम में जब तक निवेशित रहेंगे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के दौरान निवेश करने के बाद, तो आपको मैच्योरिटी तक सेम ब्याज दर मिलती रहेगी। तो अक्टूबर दिसंबर तिमाही 2022 में जुलाई सितंबर 2022 के मुकाबले 2 साल की सावधि जमा पर 0.20% ज्यादा ब्याज मिलेगा। 3 साल की सावधि जमा पर 0.30% ज्यादा ब्याज मिलेगा। सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम यानी SCSS पर 0.20% ज्यादा ब्याज मिलेगा। मंथली इनकम खाता स्कीम यानी MIS पर 0.10% ज्यादा ब्याज मिलेगा और किसान विकास पत्र यानी KVP पर 0.10% ज्यादा ब्याज मिलेगा। जबकि पोस्ट ऑफिस बचत खाता, पोस्ट ऑफिस की 1 और 5 साल की सावधि जमा, 5 साल की रेकरिंग जमा, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी NSE, पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी PPF और सुकन्या समृद्धि योजना यानी SSY में अक्टूबर दिसंबर तिमाही में पैसे लगाने पर पिछली तिमाही यानी जुलाई सितंबर 2022 जितना ही ब्याज मिलेगा। तो चलिए अब जान लेते हैं कि किस स्कीम पर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में पैसे लगाने पर कितना ब्याज मिलेगा मैच्योरिटी तक। तो बचत खाता खुलवाने पर पोस्ट ऑफिस में 4% सालाना ब्याज मिलता रहेगा, इसमें टैक्स छूट का प्रावधान नहीं है। 1 साल की सावधि जमा पर 5.5% सालाना ब्याज मिलेगा। 1 वर्षीय सावधि जमा पर 5.5% सालाना ब्याज मिलेगा, इसमें भी टैक्स छूट का प्रावधान नहीं है। 2 वर्षीय सावधि जमा पर 5.7% ब्याज मिलेगा, इसमें भी टैक्स छूट का प्रावधान नहीं है। 3 वर्षीय सावधि जमा पर 5.8% ब्याज मिलेगा और इसमें भी टैक्स छूट का प्रावधान नहीं है। 5 वर्षीय सावधि जमा पर 6.7% ब्याज मिलेगा, इसमें आप 1.5 लाख रुपए तक निवेश करके टैक्स छूट का फायदा उठा सकते हैं आयकर की धारा 80C के तहत। 5 वर्षीय रेकरिंग जमा पर आपको 5.8% सालाना ब्याज मिलेगा और इसमें भी टैक्स छूट का प्रावधान नहीं है। वरिष्ठ नागरिक बचत खाता यानी SCSS में निवेश करते हैं तो आपको हर साल 7.6% ब्याज मिलेगा और इसमें आप निवेश करके 1.5 लाख तक टैक्स छूट का फायदा उठा सकते हैं इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत। पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में पैसे लगाते हैं तो हर साल आपको 6.7% ब्याज मिलेगा और इसमें टैक्स छूट का प्रावधान नहीं मिलेगा। 5 साल के राष्ट्रीय बचत पत्र यानी NSE में खाता खुलवाते हैं तो आपको हर साल 6.8% ब्याज मिलेगा और 1.5 लाख तक टैक्स छूट का फायदा भी उठा सकते हैं इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत। सार्वजनिक भविष्य निधि यानी PPF में पैसे लगाने पर आप हर साल 7.1% ब्याज पा सकते हैं और 1.5 लाख तक टैक्स छूट का फायदा भी आप उठा सकते हैं इनकम टैक्स की मौजूदा जो कानून है उसकी धारा 80C के तहत। किसान विकास पत्र यानी KVP में खाता खुलवा करके आप हर साल 7% का ब्याज पा सकते हैं, हालांकि इनकम टैक्स छूट का फायदा इसमें नहीं है। और अगर आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में KVP में खाता खुलवाते हैं तो 123 महीने में आपका पैसा मैच्योर हो जाएगा, आपका पैसा डबल भी हो जाएगा। सुकन्या समृद्धि योजना यानी SSY में अपनी बेटियों के नाम पर अगर आप खाता खुलवाते हैं तो हर साल 7.6% ब्याज मिलेगा और इसमें टैक्स छूट का
फायदा भी आपको मिलेगा। 1.5 लाख रुपए तक निवेश करते हैं तो इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत 1.5 लाख तक टैक्स छूट का फायदा उठा सकते हैं। तो इस तरह से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में पोस्ट ऑफिस की अलग अलग स्कीमों में खाता खुलवाने पर या पैसे लगाने पर मैच्योरिटी तक कितना ब्याज मिलता रहेगा, ये जानकारी मैंने आपको दी है। तो अगर आप पोस्ट ऑफिस की अलग अलग स्कीमों में पैसे लगाने जा रहे हैं तो ब्याज दर पहले जरूर जान लें। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।